जो भी शनि धाम में आए हैं, मान लो किसी को नौकरी की प्राप्ति हुई है, किसी का विवाह हुआ है, किसी के संतान प्राप्ति हुई है, या कोई भी विदेश में गया है, जिनके कार्य यहाँ सिद्ध हुए हैं, देखिए चाहे कोई बीमारी ठीक हुई हो, कोई भी आरी बीमारी ठीक हुई है, नौकरी लगा हुआ हो, संतान हुई हो, विवाह हुआ, जिसके भी शनि धाम में कार्य सिद्ध हुए हैं, मैं उनसे विशेष रूप से अपील करूँगा कि वो जरूर आएँ, वो अपना धाम में अखंड ज्योत जरूर लगवाएं, ताकि उनके किसी भी प्रकार के कार्य में विघ्न ना आए। देखिए शनिवार 3 तारीख को नवरात्रों में आके, हाँ जी, क्योंकि देखिए उनके विशेष काम सिद्ध हैं, तो भगवान इसमें शनि महाराज की भी विशेष कृपा बरसेगी। नवरात्रे में माता रानी है जो शक्ति स्वरूप है, जो कि उनको शक्ति भी प्रदान करेगी, किसी भी प्रकार का उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। तो मेरी उनसे तो विशेष निवेदन है कि वो जरूर आएँ, वो भी आपकी अखंड ज्योत लगवाएं, साल में एक बार जरूर अपनी अखंड ज्योत लगवाएं, ताकि उनके कार्य सफल होते रहे, धन धान्य से भरपूर रहे उनका परिवार, किसी प्रकार की कोई भी समस्या उनके जीवन में न आए। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बाणर भाइयों फिलहाल खड़े हैं शनि शक्ति धाम में शीशवाड़ा में। शीशवाड़ हिसार से 22-23 किलोमीटर है, बगड़ा भादरा वाले रोड पे, और आज शनिवार का दिन है, और विशेष रूप से झाड़े का दिन होता है शनिवार। 3 तारीख से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, शरद नवरात्रे। 3 अक्टूबर से 2 तारीख की अमावस्या है। जिसको भी अखंड ज्योति जलवानी है, जैसे यहाँ पर ये दरबार देखी, ये अखंड ज्योतियाँ जल रही जो जैसे, तो यहाँ पर अखंड ज्योति लगती है। हर नवरात्रे में सैकड़ों लोग यहाँ पर अपना जो है अखंड ज्योति जलवाते हैं, और इसकी खास बात होती है, एक विशेषता है कि कोई भी मनोकामना आपकी होती है, शनि शक्ति धाम शीशवाड़ में मनोकामना लगाने से, अर्जी लगाने मात्र से, अखंड ज्योति लगाने से, वो उनके सभी के सभी जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर जिसने मनोकामना लगवाई हो, यहाँ पर अखंड ज्योति लगवाई हो और उनकी मनोकामना पूर्ण न हुई हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला आज तक। लगा विदेशों से भी लोग अखंड ज्योत जलवाते हैं, ऑनलाइन जलवाते हैं, वहाँ से पैसे डाल देते हैं अपने घी के, उसके जो भी यहाँ पर होती है जितना भी, और उनको सामान बाई डाक द्वारा भेज दिया जाता है, तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा भक्तजनों का कहना है, ऐसा भक्त जी कह रहे हैं, जनता से हर बार पूछवाते हैं, पीछे की वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी मैं बात करवाने जा रहा हूँ उन लोगों से जिनका झाड़े से कुछ क्या क्या फ़र्क होता है, या किसी प्रकार की समस्या होती है आपको, शारीरिक कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है, कोई मानसिक रोग होता है, कोई किसी प्रकार के ऊपरी प्रेत बाधाएं जो भी होती हैं, तो झाड़े से कहते हैं कि सभी बीमारियां, सभी रोग जो हैं असाध्य रोगों तक यहां पर ठीक होते हैं, ऐसा लोगों का मत है, ऐसा लोगों का मानना है, भगत जी भी ऐसा कह रहे हैं। कहां से आए हैं? गंगवा से। गंगवा से क्या समस्या? 4-5 साल हो गया आते। क्या समस्या आपका? मैं तो अभी तो ये फेरी लगाने आती हूँ, बेटी यहाँ आने से नौकरी लगी, जब आती हूँ मैं। आपकी बेटी नौकरी लगी है, यहाँ अर्जी लगाई? हाँ, यहाँ अर्जी लगाई, दूसरे शनिवार ने लगी। हाँ, दूसरे। कमाल हो गया भाई। फिर यहाँ लगा के गई अपना भंडारा और लगा के गई, बाबू भंडारा भी लगा के बाद में, वो तो देखो नौकरी लगने के बाद तो कुछ भी लगा सके भाई, मैंने कोई नौकरी ला दी तो कितना लगवा लो, चढ़ी है वहाँ पहले लगा के ना फिर गई है। अच्छा, किस चीज में लगी नौकरी? वो RPF में लगी। RPF में? वाह भाई, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड की नौकरी लगी है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अर्जी लगाने से देखो हजारों लोगों को नौकरियाँ मिली भाई, पीछे वीडियो में देख सकते हो, ये यहाँ पर झूठ नहीं है कोई चीज़, यहाँ पर सत्यता है, सच्चाई है। अब जी अलवर राजस्थान से साहब, आपको क्या समस्या है राजस्थान वालों? घर में परेशान है साहब, कुछ फसल ये दूसरी बार आए हैं तो कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, कुछ फर्क पड़ा है साहब। बड़ा है 20-30% है? आराम है सर। अच्छा, हाँ फर्क पड़ा है सर, दूसरी बार आए हैं आज, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से है? पिलानी से। गोली दवाई ले है? पक्का? पक्को। अच्छा, हाँ चलो बहुत बढ़िया। आप जी कहाँ से? निर्माणा से। आप पहली बार आए? ना, 3 बार लिया। क्या समस्या आपको? घर की समस्या रही थी। हाँ, हलो होगी, फर्क है। अच्छा, 50-60% फर्क की भी फर्क है जी सर। हाँ, अच्छा,
झाड़ा लगवाया था, पूछा पाछा भी करवाई थी क्या? ना पूछा पाछा बंगराई। अच्छा उरे बाबा जी से बाहर ना आया, प्रवासी ना आया। अच्छा राजा गया। आप जी कहाँ से हैं? हिसार। हिसार से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं जी। अच्छा। बाकी दिक्कत दूसरी खत्म है। दिक्कत थी वह खत्म होगी? हाँ। क्या दिक्कत थी बता सके? कि को लुकमा थी? कमर दर्द और पैर दर्द, रात सुन नहीं सका था। कमर दर्द पैर दर्द, पैरा में भी सुन रहा कर दी। बहुत ज्यादा दर्द रहा कर दा। हाँ, थी। कितनी साल थे ये? होगी 5-6 साल। और क्या झाड़िया में ठीक हो गया? 2 हजार लगे थी शायद, लगेगा 2 झाड़िया में आराम हो गया। हाँ। अच्छा हाँ जी, क्या माल है भाई, देख लो भाई। हम कुछ नहीं कहते, जो लोग कहते जिनको तकलीफ है जिनको आराम होता है हम बताएंगे। आप कहाँ से बता के जाना? कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? पूरी यूपी तेरी है, कोई गांव भी है? कोई गांव है आपका? कहाँ से है? नहीं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ बाबा के दरबार में कब से आ रहे हैं? हमारा जब भी दिल करता है तभी आ जाता हूँ। जब दिल करता है तब आ जाते हो? सच्चा दरबार। अच्छा? है, सनातन धर्म है। अच्छा? तो आने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आए, आने से इतनी दूर आए हैं आप चल के, 300-400 किलोमीटर आते हो, शनिवार को भी आते हो, पूर्णिमा को भी आते होगे। तो कोई ना कोई तो काम बना होगा आपका, तभी तो आते हैं ना? बना है तभी तो आते हैं। बताएं क्या काम बना? यहाँ आने के बाद जो शांति मिली वो हमको कहीं नहीं मिली। अच्छा। हाँ, यूपी में तो बहुत धाम है। बहुत से हैं, लेकिन जो शांति उत्तराखंड तो सारे धाम वही हैं। और धाम पे ही यूपी है, उत्तराखंड है, लेकिन जो शांति यहाँ मिला वो और जगह तो लूटने वाले हैं। यहाँ तो बाबा का दरबार है, कुछ लिया तो जाता नहीं है। नहीं लेते हैं? नहीं नहीं, वही दिक्कत नहीं है आपकी? हाँ। सही कह रहे हैं क्या ये? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। खुश लग रही हैं आप भी? हाँ, कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ, अभी तो मैं पहली बार आई हूँ, ये तो कई बार आए। अच्छा, अभी ले गए? आप तो पिछली बार भी आए। कैसा लगा यहाँ पहली बार आके बताइए आप? बहुत अच्छा लगा, शांति लगी, अच्छा मन को भी बहुत सुकून मिला। यूपी वाले बताओगे कैसे जाके? कितने आते हैं? बाबा योगीनाथ ने जरूर बताई इनको एक बार जाके। आ उससे मिल नहीं पाएंगे ना? नहीं, वो तो बहुत बड़े अधिकारी हैं ना, उनसे मिलना। कोई अधिकारी नहीं है, संत है वो भी हमारे बाबा की तरह, महंत जगदीप की तरह महंत है वो भी। पहले महंत है, बाद में सीएम है। कौन सा काम थे? अमरगढ़ थे जी। अमरगढ़? हाँ। क्या तकलीफ थी भाई? गोड्डे में चीज मारा कर दी। कौन मार दी? कौन मार? ठीक होगी? कैसे झाड़े लगवा लिए? मैं तो कहीं लगवा ली थी, छा भी नहीं ज्ञान देगा। अच्छा, तो आई जा से जी सला के रहा करता, आ जाए अपने बाबा के दर्शन कर जाए जी। ठीक हो गई? ठीक हो गई। आप पहली बार आए? आप कहाँ से? गुड़िया पिलानी से। आपको क्या समस्या है? पूरी बॉडी में समस्या है। पूरी बॉडी में समस्या है? हाँ, कंधे में दर्द, सर में। कितने दिन से? 20 साल से। 20 साल की तू होगी के? 20 साल से। 20 साल से समस्या है तो जाम दी होगी थी तेरे तो, मेरे ख्याल 21 साल की तो उम्र होगी। हाँ, जब से ही हो गई। तो यहाँ आने से कुछ फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा फर्क है, शांति मिलती है आने के बाद। और झाड़े में तो जादू है, जैसे झाड़े झाड़े लग रहे हैं जैसे जैसे शांति मिल रही है, ठीक हो रहा है। अच्छा, समस्या हल हो रही है? हाँ, हल हो रही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कहाँ से जी? हिसार से। हिसार से? आप तो पहले भी आए हैं? कई बार आली में। कई बार आली। क्या समस्या थी बताओगे? घर में भी सुख शांति और ये कमर में दर्द, थायराइड वाली समस्या थी, वो ठीक है बिल्कुल। अब कमर का दर्द, थायराइड ठीक होगी? थायराइड भी ठीक होगी? बिल्कुल ठीक। थायराइड ठीक है, कोई नहीं होता? मेरी होगी ठीक। तेरी ठीक होगी? पड़ो वाड़ में चाहे। हाँ, मेरी होगी। अपना खुद का ठीक होना चाहिए भाई, हम तो जिद्दी माना। मेरी हो रही है ठीक भाई, शक्ति को तो जिद्दी माना जब अपना ठीक हो। बात सही है। आप बहन जी कहाँ से? गुड़साल से। गुड़साल से? आप दर्शन करना आ रहे हो कि मैं समस्या से? समस्या है, वही मार ली है? खातरी, गुड़िया खातरी, नौकरी नागरी खातर के? पेपर देने जाएगी आज। अच्छा, से है? हासी से आए। हासी से आए हो? सीधे उरे आके बैठ गए? अच्छा, ये और पहले आ रहे हैं? तारत है हमारे, पहले तभी पहले आए थे। अच्छा, उरे क्या समस्या है आपका? मेरा एलर्जी थी। एलर्जी? हाँ। क्या था? खारिश सी और इस तरह शरीर पे। शरीर पे? हाँ। अच्छा, ये ठीक होगी? थोड़ा आराम सा तो लगा है, तीसरा जा रहा है। कितना आराम लगा? आधा है आराम? आधा है। से? हाँ। खारिश में? हाँ। आराम हो गया है मेरा, आराम बहुत ज्यादा। अच्छा? मेरा काला भाई घने मिली है मैंने खारिश वाले इसे। मैं नहीं कहता भाई खारिश ठीक हो है, लेकिन जो विश्वास कर उसको सारी चीज हो। नहीं है भाई, मेरा नजर थी कि क्या मेरा नोच चढ़ जाती है काला सारे चेहरे पे, यहाँ से लेकर नार से लेकर, और साल होती है मेरे गर्मियों में।
ना अब आने अभी लगी हूँ मैं, तीसरा जाड़ा है। तीसरा जाड़ा, हाँ तीसरा जाड़ा। तो खारिश में आराम है? आराम है। आप क्या? मैं हांसी से और मेरे फेफड़ों में अस्थमा की दिक्कत है, लेकिन अब एक हफ्ते से आ रही हूँ ठीक है। अभी तो दवाई बंद कर रखी है एक हफ्ते से। दवाई अस्थमा ने दवाई बंद कर दी तो ठीक हो जाए लगभग? एक हफ्ते से तो ठीक है। सांसें को नहीं आवा है बिना दवाई? मेरे अस्थमा वाली दिक्कत ज़्यादा थी, मिनट में ऐसे हो जाता भी अब कुछ भी नहीं है, तो एक हफ्ते से आराम है। अच्छा कमाल है भाई, देख लो। नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या प्रोसीजर है यहाँ पर जो अखंड ज्योति जलवाने का, अर्जी लगाने का या मनोकामना हेतु अपनी ज्योत जलवाने का? देखिए शनि धाम की स्थापना अप्रैल 2010 से हुई थी, तभी से यहाँ हर नवरात्रि में अखंड ज्योत लगाई जाती है। आने वाले 3 अप्रैल 2024 बार वीरवार को नवरात्रि शुरू हैं, इसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अखंड ज्योत लगाई जाएगी। किसी के किसी भी प्रकार के काम में अड़चन आती हो, मान लें पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, नौकरी प्राप्ति में दिक्कत आती हो, कोई किसी प्रकार की विवाह शादी में अड़चन आती हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत आती हो, कोई कृषि धन में दिक्कत आती हो, पशुधन में दिक्कत आती हो, या कोई भी कोर्ट कचहरी का मुकदमा चलता हो, या कोई भी किसी प्रकार का कारोबार रुका हुआ, कोई भी काम अगर जो उसका पूरा न होता हो, वह अखंड ज्योत लगाने से हर हाल में वो पूरा हो जाता है। हर नवरात्रि में ज्योत लगती है, 3 अक्टूबर से शुरू होंगे, तो उसमें कोई भगत खुद आगे लगवाना चाहते हैं तो हम उसके हाथ से लगवा देते हैं। कोई दूर रहता है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, या जो कहीं दूर है किसी कारणवश वह नहीं आ पाता है, तो उसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है कि वो ऑनलाइन अपना नाम पता अपना एड्रेस मनोकामना डाल देता है, उससे उसकी ऑनलाइन अखंड ज्योत भी लगवा सकता है वह जी। यहाँ पर कहते हैं कि जो लग गई ज्योत तो ये समझो मनोकामना पूर्ण हो गई, ऐसी आस्था लोगों की है। और जो पहले लगवा चुके हैं वो दोबारा लगवाना चाहते हैं, और कोई मनोकामना है किसी भी प्रकार का जो शनि शक्ति धाम से जुड़ा है, वो सभी संपर्क करें और 2 तारीख तक ऑनलाइन वाले सभी अपना जो है संपर्क करके बाबा जी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिखवा सकते हैं 3 तारीख को सुबह 7 बजे तक। वैसे सारा दिन लगेगी, 3 तारीख को भी शाम तक भी आप यहाँ पर मतलब अपनी ज्योत के लिए संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन 4 तारीख को नहीं लगाई जाएगी, 3 तारीख को ही लगेगी शाम के 7 बजे तक ज्योत आपके लिए। जो नारियल है, घटक है, ये सभी कुछ यहाँ चीज़ें उपलब्ध मिलेंगे आपके लिए। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।